हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिब्रा पुनीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं सुबह 5 बजे उठी थी और मैंने घर की साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं नहा वहा कर पूजा पाठ करके मैंने अपने बच्चे का टिफ़िन बनाया, क्योंकि 8 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो 8 बजे से पहले मुझे उसका टिफ़िन बनाना होता है और उसे तैयार करना होता है। फिर उसके बाद वो जब चला गया, फिर मैं अपनी बेटी को जगाई, क्योंकि बेटी का तबीयत इस समय कुछ सही नहीं चल रहा है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही है। वो सोई हुई थी, उसे मैंने जगाया। अभी मैं जा रही हूँ, पराठा जो सुबह बनाया था आलू का ना, वो मैं बच्चों को और हमारी जो सिस्टर है छोटी वाली, उन सबको नाश्ता भी मैं उसी से करा दूँगी। और अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाने। आइए दोस्तों, चलते हैं चाय बनाने। दोस्तों, सुबह में इतने सारे काम होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि कितना अपना स्पीड बढ़ाएं, कितनी जल्दी जल्दी हम काम को करें ताकि हमारा काम फिनिश्ड हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह में बच्चों को भी स्कूल भेजना और घर का भी काम करना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि किस तरह से हम दोनों काम को एक साथ मैनेज करें टाइम के अंदर, कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हम आराम से अपना घर का काम भी करें और बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेज दें। आइए दोस्तों, अब हम चाय बनाते हैं। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस के ऊपर एक मैंने पतीला रखा है, उसमें दूध डाल के रखा है। इसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी दोस्तों, पर ये पता नहीं चल रही थी, इसके लिए मैंने इसमें दोबारा चाय पत्ती डाली है। क्योंकि मुझे कड़क चाय पसंद है, मैं चाय पत्ती ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ चाय में। और इसमें चीनी डाल देती हूँ, 2-3 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाली है। इधर मैं जो है कुकर में, प्रेशर कुकर में दाल जो है, मैं अपने दाल को धुल लेती हूँ। और इधर मेरी चाय पक रही है दोस्तों, मैंने इसमें अदरक डाला है, क्योंकि ठंडियों में बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं लगती है। और अदरक डाल दीजिए, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इधर मेरा जो दाल है, मैंने इस दाल को वॉश कर लिया है, मैं इसे 2 बार वॉश करती हूँ। और मैं इस दाल में आलू डाल दूँगी, आलू को मैंने वॉश कर लिया है, पील कर लिया है, और इसे कट करके मैं कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे आज चोखा भी बनाना है। तो एक साथ मैं दाल और आलू को एक साथ में चढ़ा दूंगी, ताकि मेरे दो चीज़ एक साथ पक जाए, आलू भी मेरी पक जाए और दाल भी मेरी पक जाए, और आलू का मैं चोखा लगा दूं और दाल की मैं खिचड़ी बना लूं। इधर दोस्तों, मैं चाय, जो मेरा चाय है वो पक गया है, मैंने उसे छान लिया है। अब मैं इसे आलू के पराठे के साथ मैं नाश्ता करूँगी। आइए दोस्तों, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और इधर मैंने गैस को ऑन कर लिया, इस पर मैंने एक स्टैंड रख लिया है और इस पर मैंने 4-5 टमाटर को रख दिया है। मैं आज चोखे में टमाटर को डालूंगी, इसलिए मैं इसे धीमी आंच पे भूनती हूँ। तेज आंच पे भूनने से दोस्तों टमाटर पकेगी भी नहीं और ये जल जाएगी, इसलिए मैं इसे धीमी आँच पर ही भूनती हूँ, ताकि अंदर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसे मैं, इसके जितने भी छिलके हैं, उन छिलके को उतार ले रही हूँ। और जो है ये बहुत तेज़ी से जल रहा था दोस्तों, इसलिए मैं बार बार अपने हाथ को कटोरे वाले पानी में डाल रही थी, क्योंकि ये जल रहा था। देखिए दोस्तों, मेरा जो टमाटर है वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं धीमी आंच पे रखने से। तेज पे रखी होती तो ये जल भी जाते, पकते भी नहीं। और सारे टमाटर को मैंने छील लिया है और इसे मैं स्मैश कर दे रही हूँ सारे टमाटरों को। पूरे टमाटरों को मैंने इसे स्मैश कर दिया अच्छी तरीके से और इसे एक साइड में रख दी हूँ। दूसरी तरफ मैं रोटी बनाने जा रही थी, तभी मेरी बेटी आकर बोली, मम्मा मुझे एक लिट्टी सेक दीजिएगा। बाटी वाली लिट्टी नहीं दोस्तों, ये एक रोटी का आकार होता है, पर ये रोटी से थोड़ी मोटी होती है और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। वो हफ्ते में 2 से 4 बार बनवाती है लिट्टी खाने के लिए। और दोस्तों, मैंने इसे धीमी आंच पर सेका है, इसे तेज आंच पर सेकते ही ये जल जाएगी, क्योंकि इसे, ये मोटी होती है, इसे सिकने में टाइम लगता है थोड़ा, पर जब ये सिक जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है, चोखे के साथ ही बहुत ही टेस्टी जाता है। और देखिए दोस्तों, मैंने इसे धीमा करके धीरे धीरे पूरी तरीके से इधर उधर अलट पलट के मैंने इसे सेक दिया। मेरी लिट्टी तैयार है दोस्तों, और मैं जितने सारे आटों को लगाया था, सारे आटों की मैं पतली पतली रोटियाँ बना ले रही हूँ। आज सुबह दोस्तों बहुत ठंड थी, मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाने के लिए जब घर से निकला, मैं उसको छोड़ने गई, बाहर इतना कोहरा कि उसका वैन दिख ही नहीं रहा था।
फिर भी मेरा बेटा गया। मैं बोली कि बेटा ठीक है आज मत जाओ, आज बहुत ठंड है। फिर वो बोल रहा नहीं मम्मा आज मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आएंगे, दोपहर में धूप तो निकल ही जाएगी। पर आज सुबह से एक धूप नहीं आई, शाम हो गई धूप नहीं आई, इतना ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ पड़ रहा है। दोस्तों आप भी बताइएगा दोस्तों आपकी तरफ ठंड कैसी पड़ रही है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहें और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो किस तरह से बनाती हूँ। और दोस्तों मेरी ये जो सारी रोटियां हैं, पूरी रोटियां मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं रोटियों को दोस्तों बनाते वक्त कैस्ट्रोल में नहीं रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कैस्ट्रोल में तुरंत रखी हुई रोटियाँ सब नहीं खाते हैं, क्योंकि जो कैस्ट्रोल की तुरंत रखी हुई गर्म रोटियाँ होती हैं वो उनमें से भाप जो निकलता है इसकी वजह से सारी रोटियाँ जो हैं वो गीली हो जाती हैं और अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए हम जब रोटियाँ बना लेते हैं तब थोड़ी जब वो ठंडी हो जाती तब उसे कैस्ट्रोल में लगाते हैं, इसलिए मेरी रोटियाँ बाहर रखी हुई हैं। और देखिए दोस्तों मैं अपने गैस को साफ़ कर रही हूँ, ये ग्लास का गैस है दोस्तों, तो इसका क्लीनिंग थोड़ा टाइम लगता है करते वक्त करने में, और अच्छी तरीके से ना करिए तो इसके सारे जो दाग हैं वो स्टील के गैस से ज़्यादा उभर के आते हैं। इसलिए इसे मैं रगड़ रगड़ के डेली दिन में 5 से 6 बार इसे मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि इस पर कोई भी गंदगी ना रहे। और साथ में मैं सारे प्लेटफॉर्म की सफाई करती हूँ कि प्लेटफॉर्म भी क्लीन लगे, अंदर कभी भी किचन में हमारे कोई आए तो उससे गंदगी ना दिखे। मैं खाना बनाती हूँ तभी दोस्तों सारे जो मेरे बर्तन इधर उधर फैले होते हैं, वरना मैं बर्तन को सब सही तरीके से सही जगह रखती हूँ। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कुछ डेकोरेट करके नहीं रखती हूँ, मुझे खाली खाली ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने मेरी रोटियाँ थोड़ी ठंडी हो गई तो मैंने इसे कैस्ट्रोल में लगा दिया। अब मेरे जो आलू है वो उबल चुके हैं और मैं इसका इसे आलू और टमाटर को एक साथ स्मैश कर दूंगी एक बाउल में, और अच्छी तरीके से दोनों को एक साथ स्मैश करूंगी। फिर इसमें मैं कटे हुए प्याज डालूंगी, हरी मिर्च, हरी धनिया, हरा लहसुन का जो है वो कूटा हुआ पेस्ट डालूंगी। इसमें मैं कच्चा सरसों का तेल डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। दोस्तों मैंने तेल को पका के नहीं लिया है, मैं इसे कच्चा तेल लेती हूँ। और दोस्तों मेरी बेटी जो है वो लिट्टी देख करके मांग रही थी कि मम्मा मुझे लंच दे दीजिए, मम्मा मुझे लंच दे दीजिए, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए लगा रही हूँ। ये दोस्तों लीजिए लिट्टी चोखा, खा के बताइए कैसा है लिट्टी चोखा। और ये मेरी बेटी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और ये लिट्टी और चोखा खाते ही बोली मम्मा बहुत बेस्ट बनाई है आपने लिट्टी को। सिंक में दोस्तों मैं सुबह से इस सब काम में जो सिंक है वो मेरे सिंक में सारे बर्तन पड़े रह गए, काफ़ी बर्तन हो गए थे क्योंकि आज सुबह मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए थे। मेरी बेटी के साथ एक हादसा हो गया था दोस्तों, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसकी वजह से कुछ गेस्ट आ गए थे बेटी को देखने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए, इसकी वजह से मैं बैठ गई थी और मेरे सिंक में ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और अब मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ, अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी सारे जितने बर्तनों को मैंने सिंक में रखा था सब क्लीन कर लूँगी उसे मैं। और मेरा जो सिंक है दोस्तों मैं उस सिंक को हमेशा जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो बर्तन साफ़ करने से पहले मैं अपने सिंक को साफ़ करती हूँ, अपने नल को साफ़ करती हूँ ताकि इस पर जो है ना पानी का दाग ना दिखे। अगर पानी का दाग इस पे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप दिन में जितनी बार बर्तन साफ़ करते हैं उतनी बार अगर अपना सिंक साफ़ कर लेते हैं तो पानी का दाग बिल्कुल नहीं दिखेगा और आपका जो सिंक है वो नए की तरह चमकता रहेगा हमेशा। इसलिए मैं इसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। मैंने अपने सारे बर्तनों को धो लिया है दोस्तों और मैं अपने किचन को के टाइल्स को और ग्रेनाइट को वाइप कर लेती हूँ क्योंकि अगर पानी हमारा टाइल्स पे लगा है तो वो सूख कर दाग छोड़ जाता है, वहाँ के जो टाइल्स हैं वो जो है फीके पड़ जाते हैं। इसकी वजह से मैं वाइप कर देती हूँ ताकि पानी पूरा जितना पानी है सारा पानी वाइप हो जाए, और जब बूंद नहीं रहता है तो वो साफ साफ दिखता है, मेरा टाइल्स भी चमकता रहता है और पानी अगर लगी रहती तो नहीं चमकती। अब मेरी नाश्ते की बारी आ गई दोस्तों, सॉरी लंच की बारी आ गई दोस्तों। और
मैंने अपने लंच में चोखा चटनी रोटी लिया है, क्योंकि खिचड़ी मैं अभी नहीं खाऊंगी। खिचड़ी मुझे उतनी पसंद भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी बोले कि चोखा तुम बहुत अच्छा बनाई हो। चोखा वाकई में दोस्तों बहुत अच्छा लगा था। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि चोखा कैसा बना। और दोस्तों ये मैंने अपना वीडियो लंच फिनिश कर लिया है। अब मेरे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक्स दोस्तों। आप सभी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ।